बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले देश भर में सुरक्षा के इंतजाम सख्त किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इसके लिए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। अयोध्या शहर में धारा 144 पहले से ही लगी हुई है और पैरामिलिट्री के 4,000 जवानों को यहां रवाना किया गया है। इस पूरी तैयारी पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है? यूपी कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी से हमारे सहयोगी अजय झा ने बात की। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हैं। सर, अब फैसला तो कभी भी आ जाएगा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन में, लेकिन जो इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को प्रशासन भले आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह से एक मेकशिफ्ट जेल बनाया जा रहा है अम्बेडकर नगर में, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अयोध्या प्रकरण का या तो बातचीत से समझौता हो जाता, कोई हल निकल आता, और अब जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आए तो इसे सभी पक्षों को सम्मान देते हुए निर्णय को स्वीकार करना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए, भाईचारा बनाए रखना चाहिए। प्रशासन क्या इंतजाम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मुझे नहीं मालूम, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी राजनीति सांप्रदायिकता पर टिकी है, जिसकी राजनीति अयोध्या प्रकरण पर हमेशा इसे कुछ ओट तलाशने पर छिपी हुई है, वो और उसके नेता संयम बरते हैं, उनसे जुड़े संगठन संयम बरते हैं। मैं समझता हूँ आम आदमी संयम बरतना चाहता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी या उससे जुड़े हुए संगठन के लोग एक तरह से पहले से सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे एक बहुत बड़ा खतरा है और ये कहीं ना कहीं एक प्रवोक करने की का एक तरीका है? देखिए, आज तक जो बीजेपी की राजनीति है, मैंने बार बार कहा, दोहराता हूँ, वो अगर उस पर एक नज़र डालें तो उन्होंने हालात को बिगाड़ा है, सुधारा नहीं। मुझे उम्मीद है केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, अब वो जिम्मेदारी का परिचय देंगे, जो भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसे पूरी शांति, श्रद्धा, आस्था के साथ स्वीकार करें। आखिरी सवाल आपसे कि प्रशासन को किस तरह, जिस तरह के इंतजाम कर रहे हैं, आपने खुद कहा कि प्रशासन की लापरवाही दिखी है आज से पहले मामले, क्योंकि इतना बड़ा फैसला है, उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि जो, चाहे वो किसी तबके के लोग हों, किसी संप्रदाय को मानने वाले लोग हों, उनके अंदर डर की भावना ना? प्रशासन का पहला कर्तव्य होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना, और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी इंतजाम किए जाने चाहिए वो कर लेने चाहिए, दृढ़ता के साथ, ये बगैर देखे हुए सत्ता पक्ष कौन है, विरोध पक्ष कौन है, कौन जो हालत बिगाड़े उसका खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और बहुत ही अमन चैन कायम रहे इसका हर प्रयास प्रशासन को करना चाहिए।